नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। उस कक्षा में एक नए छात्र के आ जाने से औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, नए छात्र की आयु कितनी है। इस प्रश्न में हमें जो नया छात्र आया है उसकी आयु बताना है और उस नए छात्र के आने से औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले औसत आयु थी 20 वर्ष, लेकिन जब नया छात्र आ गया तो औसत आयु कितनी हो गई, 21 वर्ष। और पहले थे 10 छात्र, जब एक छात्र और आ गया तो अब कितने छात्र हो गए, अब 11 छात्र हो गए। ठीक है, तो हम इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्या आ गया, कितना, 20 देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा आंसर 20 आया है, अभी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 10। औसत आयु कितनी थी, 20। ठीक है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि योग बराबर औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो हमें जब योग निकालना है तो औसत और संख्याओं का गुणा कर देंगे। संख्या है छात्रों की 10, औसत है 20, गुणा करेंगे 20 का जब 10 में तो 200 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि उस कक्षा में एक नए छात्र के आ जाने से, छात्र 10 थे, एक छात्र और आ गया तो 11 छात्र हो गए, औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर कितने हो गए, 21 हो गए। इन दोनों का गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 23। ठीक है, अब पहले टोटल आयु कितनी थी, 200 वर्ष, अब कितनी हो गई, 231 वर्ष। कितनी बड़ी, तो हम घटा लेंगे, 231 में से 200 को माइनस कर लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा, 31 ही बच जाएगा। तो जो नया छात्र आया है उसकी आयु कितनी निकल के आई, 31, ना कि 20। ठीक है, तो ठीक है, तो आपने देखा कि कितना सिंपल सवाल था। आप इसको बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले 10 छात्र थे, औसत आयु 20 वर्ष थी, कुल मिला के 200 साल थे उनके पास, यानी 200 वर्ष टोटल आयु थी। फिर छात्रों की संख्या में एक की वृद्धि हो गई तो 10 से क्या हो गए, 11, और औसत में भी एक की वृद्धि हो गई तो टोटल मिला के कितना हो गया, गुणा करके 231। पहले आयु थी 200 वर्ष, अब हो गई 231, तो 231 में से 200 हमने घटा दिया, नए छात्र की आयु निकल के कितनी आ गई, 31 वर्ष। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे उसको हम और देखते हैं। इसको लगाने का एक तरीका ये है, ठीक है, ये हमने लिखा था 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक छात्र के आ जाने से औसत आयु में एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 21 हो जाता है। तो इनका अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। इसका अंतर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। आया कि नहीं आया, इस वाली संख्या का इस अंतर में गुणा करना है और इस वाली संख्या का इस अंतर में गुणा करना है। तो 10 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 10। 21 का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 21। इस दोनों को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा 31। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जब संख्याएं बड़ी बड़ी हो, गुणा करने में टाइम लगे, तो आप इस तरीकों को अपनाकर भी सवाल को हल कर सकते हैं। और नहीं तो आप उसी विधि से हल कर दें, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखें, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखें, दोनों में से जो बड़ा हो उसको माइनस करके देख लें, तो पता चल जाएगा कि जो नया छात्र आया है उसकी आयु कितनी थी। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तुम थोड़ी समझ जाओ, लगाने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, आंसर 20 नहीं आ रहा है, आंसर 31 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।